हाय गाइस, मैं हिरोद भारद्वाज। मेरे यूट्यूब चैनल हिरोद भारद्वाज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिले। ओके गाइस, फ्रेंड्स, हमने रायपुर संभाग पढ़ना स्टार्ट किया था और रायपुर संभाग के अंतर्गत रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद जिला पढ़ लिया था। चलिए आज पढ़ते हैं धमतरी जिला। ओके फ्रेंड्स, तो धमतरी जिला में देखें तो जो धमतरी जिला है उसकी स्थापना सबसे पहले 1998 में हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो धमतरी जिला की स्थापना 1998 में की गई है। इससे पहले जो धमतरी जिला है वो हमारे रायपुर जिला का हिस्सा हुआ करता था। ओके फ्रेंड्स, फिर रायपुर जिला को 1998 में अलग करके धमतरी जिला को बनाया गया। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार जो धमतरी जिला है उसका मातृ जिला हो जाता है हमारा रायपुर जिला। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कि जो धमतरी जिला है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कौन कौन से जिले को स्पर्श करती है। तो देखें तो सबसे पहले ऊपर की ओर देखें तो ये है दुर्ग। ओके फ्रेंड्स, तो दुर्ग, रायपुर, गरियाबंद, कोंडागांव, कांकेर और बलौदा बाजार। ओके फ्रेंड्स, तो जो धमतरी जिला है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 6 जिले दुर्ग, रायपुर, गरियाबंद, कोंडागांव, कांकेर और बालोद जिले को स्पर्श करती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कि जो हमारा धमतरी जिला है वो हमारे भारत देश के कौन से राज्य को स्पर्श करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो धमतरी जिला देख रहे हैं उसके नीचे की ओर देखें तो ये है आपका उड़ीसा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हो जाता है कि जो हमारा धमतरी जिला है वो हमारे उड़ीसा राज्य को स्पर्श करती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कि हमारा धमतरी जिले में क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने फ्रेंड्स जब आपको रायपुर जिला पढ़ाया था तो बताया था नेशनल हाईवे 30 के बारे में। तो चलिए देखते हैं नेशनल हाईवे 30। तो फ्रेंड्स, हम जब रायपुर से नेशनल हाईवे 30 में जाएं तो सबसे पहले धमतरी में जब इंटर करेंगे तो सबसे पहले पड़ता है आपका कुरूद। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले पड़ा आपका कुरूद, फिर कुरूद के बाद नीचे जाएं नेशनल हाईवे 30 में तो ये पड़ा आपका धमतरी। ओके फ्रेंड्स, तो धमतरी क्या है, तो हमारा जो धमतरी जिला है उसका जिला मुख्यालय है धमतरी। फिर उसके बाद नेशनल हाईवे 30 में नीचे जाएं और तो ये पड़ता है आपका श्यामा तराई, जो कि हमारा धमतरी जिला का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है श्यामा तराई। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद नेशनल हाईवे 30 जो है वो कांकेर जिले में प्रवेश कर जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार जो कांकेर, जो हमारा नेशनल हाईवे 30 है वो रायपुर से धमतरी में इंटर करती है और धमतरी में इंटर करने पे कुरूद, धमतरी और श्यामा तराई होते हुए कांकेर को चली जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट महानदी के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो जो महानदी है वो हमारा ये सिहावा पर्वत से इसका उद्गम है। फ्रेंड्स, जो आप नदी ये वाला देख, दक्षिण में उद्गम होकर उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, ये आप नदी देख रहे हैं वो महानदी है। ओके फ्रेंड्स, तो महानदी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देखें तो इसका उद्गम हमारा सिहावा पर्वत से होता है। ओके फ्रेंड्स, जो कि धमतरी में है। फिर उसके बाद इसमें देखें तो इसमें दुधावा जलाशय है। इसमें क्या है, तो दुधावा जलाशय है जिसकी स्थापना 1962-63 में हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो दुधावा जलाशय है महानदी में और धमतरी जिले में और इसकी स्थापना 1962-63 में हुई है। फिर उसके बाद और देखें तो ऊपर देखें तो ये है आपका रुद्री बैराज। ओके फ्रेंड्स, तो रुद्री बैराज, रुद्री बैराज की स्थापना 1915 में की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो रुद्री बैराज है कौन सी नदी में है, तो हमारा महानदी में है। रुद्री बैराज कौन से जिले में है, तो हमारा धमतरी जिले में है और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1915 में हुई है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद ऊपर देखें तो ये है आपका गंगरेल डैम। ओके फ्रेंड्स, ये आपका गंगरेल डैम है जिसको रविशंकर जलाशय के भी नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 1978 में हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो गंगरेल डैम जो है उसको रविशंकर जलाशय के नाम से भी जानते हैं और यह महानदी, महानदी पर स्थित है और हमारे धमतरी जिले में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद एक और जलाशय देखें तो ये है आपका माडम सिल्ली जलाशय, जो कि सिल्यारी नदी पर है।
ये जो नदी देख रहे हैं ये आपका सिल्यारी नदी है, ये महानदी की सहायक नदी है जो कि धमतरी जिला में है। और जो माडम सिल्ली जलाशय है वो हमारा सिल्यारी नदी पे स्थित है, और माडम सिल्ली जलाशय का स्थापना 1923 में की गई है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद ये देख पा रहे हैं आप, ये है कंडेल गाँव। ओके फ्रेंड्स, तो जो कंडेल गाँव है यहाँ कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। ओके फ्रेंड्स, जिसके नेता हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। ये जो कंडेल नहर सत्याग्रह है वो 1920 में हुआ था और ये सिंचाई करके विरुद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद देखें तो ये है बघौद। बघौद है जिसे जहाँ मेगा फूड पार्क और हर्बल पार्क बनाया गया है। तो बघौद में हमारा मेगा फूड पार्क और हर्बल पार्क बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, बात देखें तो ये है आपका सीता नदी अभ्यारण्य। ओके फ्रेंड्स, जो कि धमतरी जिला में है। तो सीता नदी अभ्यारण्य हमारे धमतरी जिला में है। ये जो है जो सीता नदी अभ्यारण्य है वो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है हमारे छत्तीसगढ़ का। सबसे प्राचीन अभ्यारण्य देखें तो हमारा सीता नदी अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार सबसे पुराना, सबसे प्राचीन जो अभयारण्य है वो सीता नदी अभयारण्य है, उसकी स्थापना 1974 में हुई है और ये हमारे धमतरी जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, फिर जो सीता नदी के बगल में आप देख रहे हैं वो ये वाला, ये है आपका उद्यंती अभयारण्य। ओके फ्रेंड्स, जो कि हमारा गरियाबंद जिला में है। फ्रेंड, मैंने उद्यंती अभयारण्य के बारे में गरियाबंद जिला जब पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था। अगर आप गरियाबंद जिला नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें। ओके फ्रेंड्स, तो उद्यंती जो अभयारण्य है वो हमारा गरियाबंद जिला में है। और फ्रेंड्स, उद्यंती अभयारण्य और सीता नदी अभयारण्य दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स चलिए अब धमतरी जिला में और भी कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखते हैं। तो धमतरी जिला में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ महानदी है, और महानदी का उद्गम देखें तो यहाँ यह जो है सिहावा पर्वत जो कि धमतरी में है वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो हमारा सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। और विसर्जन देखें तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है कटक के पास। कटक कहाँ है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा के कटक के निकट जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जाके ये विसर्जित हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे देखें तो नामकरण, तो नामकरण में क्या है, जो श्रृंगी ऋषि थे उसके प्रिय शिष्य महानंदा थे, उन्हीं के नाम पर हमारे महानदी का नाम महानदी पड़ा है। तो श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर ही हमारा महानदी का नामकरण हुआ है। ओके गाइस, फिर आगे देखें तो इसका प्राचीन नाम देखें तो प्राचीन नाम है कनक नंदनी। ओके फ्रेंड्स, प्राचीन नाम देखें तो कनक नंदनी है। सत्युग में इसे नीलोत्पला नाम से जानते थे। सत्युग में हमारे महानदी को नीलोत्पला नाम से जाना जाता था और द्वापर युग में चित्रोत्पला नाम से जाना जाता था। ओके फ्रेंड्स, तो महानदी है, महानदी को प्राचीन नाम में देखें तो कनक नंदनी है। सत्युग में इसे नीलोत्पला नाम से जाना जाता था और द्वापर युग में इसे चित्रोत्पला नाम से जाना जाता था, और अभी हम वर्तमान में इसे महानदी नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, महानदी की कुल लंबाई देखें तो ये 858 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, की कुल लंबाई, जो महानदी की कुल लंबाई देखें तो ये 858 किलोमीटर है, जो हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्य में प्रवाहित होती है। तो दोनों राज्य में प्रवाहित होने वाली इसकी लंबाई को नापा जाए तो 858 किलोमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई देखें तो मात्र 286 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर है महानदी की लंबाई। ओके फ्रेंड्स, महानदी में इम्पोर्टेंट देखें तो छत्तीसगढ़ की गंगा और जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। जो हमारी महानदी है उसे छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि जो महानदी है वो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे लंबी नदी है महानदी। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर पूछे आपको छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो महानदी, और अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी तो वो आ जाता है हमारा शिवनाथ नदी, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिए कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो महानदी और छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी तो शिवनाथ नदी। ओके फ्रेंड्स,
फिर अगला देखें तो महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ओके फ्रेंड्स, तो जो हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, वो हमारे महानदी पर ही बना हुआ है, जो कि उड़ीसा में बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये आप जो डायग्राम में देख रहे हैं, ये इमेज में, ये हमारा हीराकुंड बांध है, जो इंडियाज लार्जेस्ट डैम में से एक है। ओके फ्रेंड्स, तो इंडिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हमारा हीराकुंड बांध है, और वो हमारे महानदी पर ही बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आगे देखें तो महानदी पर स्थित परियोजनाएं देखें। ओके फ्रेंड्स, तो महानदी पर स्थित परियोजना देखें तो इसमें सबसे पहले देखते हैं गंगरेल। ओके फ्रेंड्स, गंगरेल डैम, तो गंगरेल डैम को रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा गंगरेल डैम है उसको रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ बना है, तो ये धमतरी जिला में है। इसकी स्थापना 1978 में की गई है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये जो डायग्राम में देख रहे हैं, ये इमेज देख रहे हैं, वो आपका गंगरेल बांध है। ओके फ्रेंड्स, ये कहाँ बना है, तो ये धमतरी में बना है, और इसको रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1978 में की गई है, और ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। जो हमारा महानदी में बना हुआ है गंगरेल बांध, वो हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि 2004 से 10 मेगावाट का विद्युत उत्पादन ये गंगरेल बांध में किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो 2004 से 10 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हमारे गंगरेल बांध से किया जा रहा है। जो 10 मेगावाट है वो चार हिस्सों में लगा हुआ है, 2.5 2.5 2.5, चार हिस्सों में लगा हुआ है, चार यूनिट लगा है, जिससे 10 यूनिट का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है 2004 से। फिर उसके बाद देखें तो रुद्री बैराज, रुद्री बैराज कहाँ है, तो धमतरी में है, और इसकी स्थापना 1915 में की गई है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आगे देखें तो दुधावा जलाशय, दुधावा जलाशय जो कि धमतरी और कांकेर दोनों के बीच में है, महानदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना 1962-63 में की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो जो दुधावा स्थापना 1962-63 में की गई है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें इम्पोर्टेंट ये है, स्वतंत्रता पश्चात निर्मित राज्य आजाद हुआ, फिर उसके बाद पहला हमारा जो छत्तीसगढ़ में पहला बांध बनाया गया वो था दुधावा जलाशय। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आगे देखें तो माडम सिल्ली जलाशय। ओके फ्रेंड्स, मुरुम सिल्ली जलाशय जो कि धमतरी में बना हुआ है, और इसकी स्थापना 1923 में की गई है। जो माडम सिल्ली जलाशय है वो धमतरी जिले में है, 1923 में इसकी स्थापना की गई है, और ये कहाँ है, तो ये सिल्यारी नदी में है। ओके फ्रेंड्स, तो जो सिल्यारी नदी में है माडम सिल्ली जलाशय, और ये जो सिल्यारी नदी है वो महानदी का सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, माडम सिल्ली जलाशय में इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रथम साइफन बांध है, प्रथम साइफन बांध हमारे छत्तीसगढ़ का है, तो वो माडम सिल्ली जलाशय है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आगे देखें तो सीता नदी अभ्यारण्य, तो सीता नदी अभ्यारण्य हमारे धमतरी जिले में है। इसकी स्थापना 1974 में की गई है, तो 1974 में हमारी सीता नदी अभ्यारण्य का स्थापना की गई है, और जो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, जो सीता नदी अभ्यारण्य है, वो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना अभ्यारण्य है, हमारा सीता नदी अभ्यारण्य। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जो सीता नदी अभ्यारण्य है उस वहाँ सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ पाया जाता है। फिर आगे देखें तो सीता नदी और उद्यंती अभ्यारण्य। ओके फ्रेंड्स, प्लस उद्यंती अभ्यारण्य दोनों को मिला के, ओके फ्रेंड्स, 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। तो सीता नदी और उद्यंती अभ्यारण्य को 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया, और 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में आपका अभिनंदन है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार सीता नदी और उद्यंती अभ्यारण्य को मिला के प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में और टाइगर रिजर्व 2009 में बनाया गया है। फिर उसके बाद आगे देखें तो कंडेल गांव, कंडेल गांव में 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, जिसके नेता हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। ओके फ्रेंड्स, और कारण था सिंचाई कर के विरोध में, तो सिंचाई कर के विरोध में यह
सत्याग्रह हुआ था, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में, और नेतृत्व करता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। और फ्रेंड्स इसी के बीच इसी टाइम पर हमारे यहाँ 1920 में गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो गांधी जी का प्रथम आगमन 1920 में हुआ था, वो कंडेल नहर सत्याग्रह के दौरान। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे देखें तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह ये कब हुआ, तो ये 21 जनवरी 1922 को हुआ है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। कारण था कि आदिवासियों का वन प्रवेश व वन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर, तो क्या हुआ था, अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों पर वन प्रवेश और वन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसीलिए आदिवासियों द्वारा ये जो जंगल सत्याग्रह है सिहावा नगरी का वो किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1922 को किया गया आदिवासियों को वन प्रवेश व वन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर। इसके नेता थे हमारे श्यामलाल सोम, पंचम सिंह सोम, आनंदराम गोड़। ओके फ्रेंड्स, तो नेता थे श्यामलाल सोम, पंचम सिंह सोम, आनंदराम गोड़। जब अंग्रेजों द्वारा इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उसके बाद नेता बने सुंदरलाल शर्मा। ओके फ्रेंड्स, तो सुंदर श्यामलाल सोम, पंचम सिंह सोम, आनंदराम गोड़ नेतृत्व कर रहे थे, फिर उनके बाद अंग्रेजों द्वारा इनकी गिरफ्तारी हो गई, फिर उसके बाद हमारे सुंदरलाल शर्मा ने नेतृत्व किया। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आगे देखें तो यह जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था। तो जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है वो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था। फिर देखें तो छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह 1930, जब जंगल सत्याग्रह हुआ 1930 में, तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में जो धमतरी जिला है उसमें जिस जिस जगह पे हुआ था वो जगह देख रहे हैं। तो मुहबना प्रोड़ी, पहला जो है मुहबना प्रोड़ी, ये 24 जुलाई 1930 को हुआ था। इसके नेता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ओके फ्रेंड्स, तो जो मुहबना प्रोड़ी था 24 जुलाई 1930 को हुआ था और इसके नेता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। फिर उसके बाद गटासिल्ली। ओके फ्रेंड, गटासिल्ली, गटासिल्ली का जुलाई 1930 में हुआ था और इसके नेता थे नारायण राव, छोटेलाल और नत्थूजी जगताप। तो जो गटासिल्ली है उसमें नेता थे हमारे नारायण राव, छोटेलाल श्रीवास्तव और नत्थूजी जगताप। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आगे देखें तो रुद्री नवागांव, रुद्री नवागांव में 22 अगस्त 1930 को हुआ था और इसके नेता थे हमारे छोटेलाल श्रीवास्तव। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो तीनों हुए ये हमारे धमतरी जिले के अंतर्गत आता है, मुंगबना प्रोड़ी, गटासिल्ली और रुद्री नवागांव। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस प्रकार आपका धमतरी जिला होता है कंप्लीट। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नए संभाग और नए जिले के साथ आपको मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स।